मैं इसके सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। श्वेता 16th, मैं 16 भी अरेंज करता हूँ। ठीक है श्वेता, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं रिलेशन फंक्शन, क्योंकि फिर मिस हो जाएगा। ठीक है, वरना ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट द डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है, लास्ट ईयर सबने किया था। ठीक है, फिर भी हम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा एक्स कॉमा वाई। उसके बाद हमने लास्ट ईयर किया था, सपोज हमारे पास सेट ए है हैविंग द वैल्यू 1, 2 एंड बी हैव द वैल्यू 4, 5। ठीक है, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, याद है सबको। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा फाइंड होता था, दैट इज 1, 4, 1, 5, 2, 4 एंड 2, 5। याद आ गया सबको, लास्ट ईयर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे। इतना क्लियर हुआ, बच्चे इसमें डाउट नहीं है ना? ओके, सो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होते, रिलेशन होता है हमारा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप काफी सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, है ना? आप इस सबसेट के काफी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के काफी सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। तो फिर रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सबसेट कैसे फॉर्म होता है, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। आप एक कंडीशन पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अगर कंडीशन पुट करी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, Both the numbers are even. ठीक है, तो हम कौन से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 2 and 4। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस, 2, 4। तो रिलेशन था क्या, सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट कैसे फॉर्म हो रहे, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन हमने क्या पुट करी, both the numbers are even, तो ये हमारा रिलेशन फॉर्म हो गया। इतना क्लियर हुआ, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? बच्चे डाउट है तो प्लीज बता दिएगा। ओके, ठीक है, ये हमने लास्ट ईयर किया था, सो प्लीज राइट द डेफिनेशन रिलेशन, राइट द डेफिनेशन रिलेशन। बस एक
जी, तो रिलेशन क्या था, ए बी टू सेट है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और सबसेट कैसे फॉर्म होता है, एक कंडीशन पुट कर देते, ठीक, तो सिर्फ यही है रिलेशन, प्लीज नोट डाउन, किसी को डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, रब कर दें इसको. नेक्स्ट पे हमने लास्ट वीक किया था डोमेन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन. लेट आर बी अ रिलेशन the set of first element of the ordered pair set of first element of the ordered pair of the relation R is called domain of a relation, is called domain of a relation. ठीक है, so domain क्या होता है, set of first element of the ordered pair of the relation R is called the domain of a relation. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास R है, R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन इज, ये सब लास्ट ईयर का है, ठीक है, 12th का नहीं है, 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5, जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया ऑर्डर्ड पेयर का उसके सेट को हम कहते हैं डोमेन. तो किसी बच्चे को डाउट है इसमें, किसी बच्चे को डाउट है, ओके, नेक्स्ट इज रेंज, रेंज ऑफ अ रिलेशन, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट of the ordered pair of the relation R is called the range of a relation, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन. सो फॉर एग्जाम्पल सेम हम यही ले रहे हैं, इन दिस केस आर अगर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6, प्लीज नोट डाउन दिस, ये रेंज हो जाएगा. तो रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज. कंप्लीट हो गया सबका, सो ये आप लास्ट ईयर कर चुके हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. नेक्स्ट इज नोट कर लिया था ना सबने लास्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज कोडोमेन, लेट आर बी अ रिलेशन, ओके,
जी बच्चे नोट कीजिए फिर मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट इज कोडोमेन। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो सेट बी को हम कहते हैं दिस इज अ कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, तो ये सब 11th का है, आपको आता ही है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, किसी और बच्चे इसमें डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब हम 12th के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो 12th में जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आ जाते हैं सबसे पहले वॉइड रिलेशन। फर्स्ट थिंग इज वॉइड रिलेशन। वॉइड आपको पता है जैसे नल सेट हो गया वैसे ही वॉइड रिलेशन हो गया। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। वॉइड रिलेशन मींस सिंपल अगर हम वे में बात करें तो उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। तो राइट द डेफिनेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, if no element of set A is related to any element of set A, that is R is equal to। ठीक है, और ये सबसेट होते हैं इसका, ये तो हमें पता है। एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, अगर हमारे पास ए है 1 2 3 4 और रिलेशन है हमारे पास ए बी, और हम कहते हैं कि ए माइनस बी जो है इज इक्वल टू 12 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखिए वॉइड रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन आर है हमारे पास इन अ सेट ए, एक ही सेट है, तो इसका मतलब किसका सबसेट होगा, वो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा, वो रिलेशन आर होगा। वो कह रहे हैं कि रिलेशन है इन अ सेट ए, उसको हम वॉइड रिलेशन कहते हैं अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड नहीं है। जैसे 1 2 3 4 है, उसे कोई भी एलिमेंट खुद से इस सेट्स के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी कंडीशन थी a माइनस बी इज इक्वल टू 12 और ये एग्जांपल था, तो a माइनस बी 12 हो सकते हैं, हम इनमें से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो 12 आ सकता है? हम अगर इनमें से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या वो 12 हो सकता है? ठीक, तो ये हो गया आपका वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब सिंपल हम लैंग्वेज में बात करते हैं, वॉइड रिलेशन मींस उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपके रिलेशन में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो कोई वैल्यू होने का मतलब क्या, क्या तो कोई ऐसी कंडीशन होगी जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे ये सेट था, दोनों वैल्यूज हमें कहाँ से चूज करनी है, इसी सेट से चूज करनी है, और एग्जाम्पल ए माइनस बी 12 जो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि
ये void relation होता है अगर set A में कोई भी element इसी set से relate नहीं करता। एक ही set की हम बात कर रहे हैं, कोई भी element इस set का इससे अगर related नहीं है तो हमारे ये void relation होता है। किसी बच्चे को doubt है इसमें? Any doubt in this? Right, next is universal relation। ठीक है, universal का मतलब सारी values होनी चाहिए। void relation और universal अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स सारी वैल्यूज हो जानी चाहिए। ठीक, प्लीज राइट अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A that is, इसका मतलब है R जो होना चाहिए वो complete कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू ए बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। ए हमने दे दिया, ए इज इक्वल टू सपोज 1, 2, 3 and 4। अब देखिए इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी वैल्यूज हैं सब एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगी क्योंकि ये कंडीशन है दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लीजिए सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे तो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आप इसको यूनिवर्सल रिलेशन इसलिए इसे दिस एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चे ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप लोगों को परेशानी होगी। तो जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बता दीजिए। क्लियर वो? बोथ द वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन both the void and universal relation are called trivial relation। ठीक है, void and universal relation को हम कहते हैं trivial relation। ठीक, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर नेक्स्ट करें।
इसमें बच्चे प्लीज चेक कीजिए यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं। मुझे प्लीज चेक कीजिए दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन और नॉट। ओके और सर ओके ठीक यूनिवर्सल रिलेशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो सारी वैल्यूज हैं वो आपके रिलेशन में नहीं है। ठीक चलो ठीक है सिंपल था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आज ऐसे करते हैं टाइम तो नहीं है हमारे पास है ना अभी 15-20 मिनट्स और क्लास हो सकती है। मैं आपको डेफिनेशन करवा देता हूँ एक सिर्फ एग्जांपल दे देते हैं कल। अच्छा हाँ कल मॉर्निंग में क्लास हो सकती है 9 to 10। कल मॉर्निंग में पॉसिबल है 9 to 10। अमीन नहीं हो भाई। अमीन कौन सी क्लास कल यूटी। अच्छा उसका यूटी है ओके। अमीन कौन सी क्लास हो रही है। अच्छा अमीन क्या टाइमिंग है स्कूल की। ओके स्कूल की क्या टाइमिंग है ऐशा अमीन। अच्छा ओके तो नेक्स्ट वीक टाइम है जिन बच्चों की क्लास 9 to 4। ओके अमीन डेली होती है मंडे टू फ्राइडे। अमीन मंडे टू फ्राइडे होती है। कल तो नहीं हो पाएगी ना। कल किसका टेस्ट है। अस्का का भी है वजात का भी है। अस्का ट्यूजडे हो सकती है। ट्यूजडे वेडनेसडे पूरा क्लियर। ओके ट्यूजडे हो सकती है अस्का। ओके नहीं अरबाब 9 नहीं होगी। 9 क्लैश हो रही है। 8 to 9 हो सकती है ट्यूजडे। वजात ट्यूजडे 8 to 9। अभी कितने बजे से क्लासेस होती हैं स्कूल की। अभी कब से क्लास होती है स्कूल की 8:30 to 12:50। अभी मंडे टू फ्राइडे। कोई डे है अभी जब फ्री हो। 9 से ज्वाइन नहीं कर सकते स्कूल में। अभी एक दिन अगर टाइम मिल जाए हम थोड़ा सा अपना सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। स्वेदा एंड अबीर सेम स्कूल में। अबीर एंड स्वेदा सेम स्कूल में। ओके अभी एक बार स्वेदा से आप डिस्कस कीजिए पॉसिबल है कुछ ट्यूजडे 8:00 to 9। है ना अभी सिर्फ एक बच्चे कोई प्रॉब्लम है ट्यूसडे। और किसी को प्रॉब्लम है ट्यूसडे 8 to 9। नहीं अभी हो जाएगा कुछ डिस्कस किया। अभी डिस्कस किया कुछ हो जाएगा 8 to 9 में। क्योंकि बच्चे ये जो चैप्टर है ना उसमें ज्यादा क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्लास लेके ना इसको हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ठीक है एक काम कीजिएगा अभी 8 से ज्वाइन कर लिएगा। ठीक है फिर स्टार्टिंग में तो आप होंगी तो थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 8:30 से आप स्कूल ज्वाइन कर लिएगा। ठीक है चलिए तो ट्यूसडे कंफर्म करते हैं। ट्यूसडे क्लासेस फ्रॉम 8 to 9। सुबह जल्दी उठना है सबको। लॉकडाउन में ये आदत खराब हो गई है। ट्यूसडे 8 to 9 क्लास होगी आपकी। ठीक है प्लीज नोट कर लीजिए ट्यूसडे मैथ्स क्लास 8 to 9। बच्चे प्लीज मिस मत कीजिएगा ये क्लास।
ठीक, ट्यूजडे 8 to 9 मार्क्स हो गए। अब स्टार्ट कर दें आइडेंटिटी रिलेशन, और रिलेशन ऑन अ सेट ए, और रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी, और रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if each element of set A is related to itself। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, रिलेशन ऑन अ सेट इज सेट टू बी आइडेंटिटी अगर ए सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड है। ठीक है, इट इज, इसको नॉर्मली आई से डिनोट कर देते हैं, अगर सेट ए है तो आई ए लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और आर है हमारे पास 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी अगर सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड है, यानी 1 1 2 2 3 3 3 है तो ये आइडेंटिटी हो गया। बट अगर इसमें एक और वैल्यू आ जाती 1 कॉमा 2, सेम रिलेशन में एक वैल्यू और हो जाती 1 कॉमा 2, देन दिस इज नॉट आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी नहीं होता। ठीक है, सो आइडेंटिटी कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 सिर्फ इतना ही होगा। बताइए मुझे, किसको डाउट है, इसको किसी को डाउट है आइडेंटिटी रिलेशन में? अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस हम आज नहीं कर रहे, हम ट्यूसडे करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस करवाता हूँ, आपको एग्जांपल्स बताते हैं, आप इसको लर्न करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ, सबने नोट कर लिया था ना, सबने नोट कर लिया था, ओके छोड़ा मुझे, प्लीज नोट कीजिए उसको, जो है जल्दी से कीजिए, फिर मुझे बताइए हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है आपके पास, फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if every element of set A is related to itself। ठीक है, प्लीज रीड दिस डेफिनेशन और मुझे बताइए इसमें और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। What's the difference between the reflexive and identity? Koi batayega difference kya hai dono mein? Please read. देखिए आइडेंटिटी में प्लीज रीड कीजिए, उसमें था ओनली, उसमें था एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए,
यानी 1 1 2 2 3 3 उसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, हम कहते हैं कि अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, बट इसके अलावा भी वैल्यूज आ सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? वहां क्या था, 1 1 2 2 3 3 बस और कुछ नहीं। इसमें क्या, ये तो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। सबको क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव क्या होता है? बच्चे रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ? ठीक है, सो डिफरेंस क्लियर हो गया। एक नोट लिख देते हैं, नोट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, अच्छा अजय प्लीज नोट कीजिए, सुविधा हो गया। Write a note. First is every identity relation. Every identity relation is reflexive, but the converse is, not necessarily true. ठीक है, identity relation reflexive होता है, बट उसे converse हमेशा जरूरी नहीं true। क्लियर हो गया ना, क्योंकि identity में जो elements हैं that are related to itself, और वही हमारी condition होती है reflexive की, तो वो तो sufficient हो रही है, satisfy हो रही है, बट reflexive हमेशा identity हो वो जरूरी नहीं होता। क्लियर हो गया? बच्चे जब इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारी वैल्यूज आ गई, तो जो ऑर्डर पेयर थे जहां नंबर खुद से रिलेट था वो भी आ गया। फिर क्लियर हुआ इतना? मुझे इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किए तो आपके डाउट्स होंगे, है ना, आपको कंप्लीटली ये क्लियर नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं ट्यूजडे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। इसके बाद दो टॉपिक्स और हैं रिलेशन में, वो भी हम पे ट्यूजडे ट्राई करेंगे अगर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आज क्लास बस यहीं ओवर करते हैं, बट ट्यूजडे रिलेशन बच्चे प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ये जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्यूजडे। ठीक है, और आप लोगों के जो डाउट्स हैं जो आज क्लियर नहीं हो पाए थे, या तो मैं मेल कर दूंगा या ग्रुप पे आज या कल तक आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसका वजाद एंड सुविधा आप तीनों के सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इसका सॉरी मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैथ्स का ग्रुप, मैं एक बार निष्कर्ष सर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझसे कहते हैं ना कि मैसेजेस वो करते रहते हैं सबको, तो सॉल्यूशन या तो मैं मेल कर दूंगा या जैसे भी है, ठीक है, हो जाएंगे आपके अरेंज आप तीनों के।
अच्छा अभी फिर हमारी एडवांस क्लास है, ओके अस्कर यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमारी एडवांस क्लास है फ्रॉम 6 PM, तो 12 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 6 मिनट में सेम आईडी पे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके दा, थैंक यू। ठीक है निल्जा, ओके वेलकम।